हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोयोटा ग्लेंजा के बेस वेरिएंट के बारे में, और ये इसका ई वेरिएंट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके जी वेरिएंट के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करें इसके एक्सरूम प्राइस की, तो 6,39,000 रुपये इसका एक्सरूम प्राइस है। देखने से यार ज़्यादा कुछ आपको चेंज नहीं मिलेगा, बट भाई कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर आपको चेंज देखने को मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये इसका बेस वेरिएंट है। सबसे पहला चेंज इसके हेडलैम्प यूनिट के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, बट भाई यहाँ पे आपको DRL नहीं मिलते हैं। क्रोम इंसर्ट तो है बट यहाँ पे DRLs नहीं मिलेंगे। फोग लैम्प भी आपको नहीं मिलते, बट हाँ इसके ऊपर आपको क्रोम ज़रूर मिल जाता है। बम्पर आपको सेम मिलने वाला है। बम्पर से इस कार का जो ओवर लुक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। वही सामने आपको क्रोम मिल जाता है और भाई टोयोटा का लोगो है। तो ये है इसका फ्रंट फेस, ज़्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा सिवाय फोग लैम्प के। टायर सेक्शन की बात करें, 15 इंच के टायर मिल जाते हैं विद स्टील रिम। एलॉय का कोई भी सेटअप नहीं मिलने वाला। आगे के टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, वहीं पीछे वाले टायर्स में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। बेस वेरिएंट पता चलता है इसके टर्न इंडिकेटर से, जो कि फेंडर पे है। ORVM से, जो कि ब्लैकआउट है। डोर हैंडल से, जो कि यहाँ पर भी आपको ब्लैकआउट ही मिलता है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये जो वेरिएंट है ये बेस है। बाकी ABC तीनों पिलर आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं। क्वार्टर ग्लास पैनल है। बात करें इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, तो ये है इस कार का रियर लुक। रियर से भी यार आपको ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा। बात करें इसके टॉप से, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एंटीना मिल जाता है। स्पॉइलर है, स्पॉइलर के इंटीग्रेटेड आपको हाई माउंटेड सोप लैम्प डिफोगर तक मिल जाता है इसके बेस वेरिएंट में। टोयोटा का लोगो है, ग्लेंजा की ब्रांडिंग है और भाई ई यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी बात करें इसके टेल लैम्प के बारे में, तो LED टेल लैम्प का सेटअप मिल जाता है। बेस वेरिएंट से ही आपको LED टेल लैम्प मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर की यूनिट आपको इसी के अंदर मिल जाती है। टेल लैम्प से लुक है ना भाई इसका, जो कि ज़बरदस्त हो जाता है। 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर के, रिफ्लेक्टर्स हैं। वहीं आपको बूट के डोर पे क्रोम फिनिश देखने को मिल जाने वाली है। 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और भाई ओवरऑल ये लुक है इसके रियर का। रेन वाइजर, डोर वाइजर जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है। ओनर ने यहाँ पे ऐसे पार्ट ऑफ एसेसरीज के तौर पे ये लगवाए हैं। 2500 रुपये का डोर वाइजर है, रेन वाइजर 1500 का है। बात करें बूट की, तो 318 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है, जैसे आपको बैलनों में मिलता है। बूट के नीचे ही आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है स्टील रिम के साथ, तो बूट स्पेस भी भाई अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। ग्रैब हैंडल है, आसानी से पकड़ के आप इसको बंद कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल इसका रियर लुक, अमेजिंग लुक है भाई। बात करें इसके की के बारे में, तो यहाँ पे आपको रिमोट की मिल जाती है, लोकल लॉक का बटन है और पीछे टोयोटा का लोगो है। बेस वेरिएंट है लेकिन यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, जो कि भाई एक गुड फीचर है और आज के समय में चाहिए ही होता है। चलिए चेक करते हैं इसका इंटीरियर। तो भाई ये है इस कार का इंटीरियर। ड्यूल टोन के अंदर आपको इसका इंटीरियर मिल जाता है, ब्लैक बेस कलर के अंदर। इंटीरियर ओबियस ही बात है आपको एक फ्रेश लुक के साथ मिलने वाला है। यूनिक इंटीरियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहीं से भी ये कार नहीं लगेगी कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है, आपको अच्छा खासा फिट एंड फिनिश मिलने वाली है। बात करें डोर ट्रिम के बारे में, तो डोर काफ़ी वाइड ओपन होते हैं, एंट्री एग्जिट करना आसान हो जाता है, लेकिन बेस वेरिएंट है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको कुछ अच्छा मिलेगा, जैसे डोर पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। ये देखिए, ये वाला सॉफ्ट टच है, इसके ऊपर भी आपको पूरा सॉफ्ट टच मिल जाता है। ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन ऑटो आपका फीचर मिल जाता है। लोकल लॉक का बटन है। ORVM आपको मैनुअली मिलते हैं। बाकी ब्लैकआउट यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं। बोतल होल्डर है, यहाँ पे आपको कोई भी स्पीकर की प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली। सीट की बात करें, तो फैब्रिक सीट है, लेकिन अच्छी बात ये है आगे वाली सीट पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट है तो भाई यहाँ पे सही काम कर दिया है आगे वाली सीट पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट का। ये है इस कार का इंटीरियर। इंटीरियर भाई नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। पियानो ब्लैक फिनिश का आपको यहाँ पे ऐड देखने को मिलेगा इसके डैशबोर्ड में, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ऑटो ऑन ऑफ का फीचर यहाँ पे भी मिल जाता है। बात करें इसके स्टीयरिंग के बारे में, तो भाई यहाँ पे आपको डी शेप के अंदर स्टीयरिंग मिल जाती है, ठीक ठाक ही है यार। और इसके ऊपर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है, बट इस वेरिएंट में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलने वाले। इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से ही आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टीयरिंग मिलेगा।
टू एयरबैग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाला है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, वहीं यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाते हैं। और ये देखिए भाई, ये पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। बात करें एसी की, तो ऑटोमेटिक एसी आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट नहीं मिलता है। 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको ग्लेंजा देखने को मिल जाने वाली है। ऑटो कप होल्डर है। वहीं बात करें इसके ग्लोव बॉक्स के बारे में, तो डिसेंट साइज़ का ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। नॉर्मल आपको IRVM मिल जाता है। बात करें सनशेड की, तो नॉर्मल सनशेड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाला है। को पैसेंजर साइड पे आपको नॉर्मल सनशेड मिलेगा। बेस वेरिएंट है यार, इतने फीचर अगर हैं तो वो भी काफ़ी है। बात करें इसके क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पे आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, स्पीडोमीटर टैकोमीटर दोनों मिल जाता है, बीच में आपको MID मिल जाती है। जो ये स्टेयरिंग है, ये आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। टेलीस्कोपिक का कोई भी सीन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ठीक है यार, बेस वेरिएंट तो और क्या ही हमें चाहिए। ऑटोमेटिक एसी मिल रहा है यार, नहीं बेस वेरिएंट है लेकिन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। बाकी भाई इसमें आपको कोई भी इन्फोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलने वाला। तो ओवरऑल ये है इस कार का इंटीरियर। सिंपल इंटीरियर है, ज़्यादा फीचर आपको नहीं मिलेंगे। सेफ्टी फीचर की बात करें, तो 2 एयरबैग है, ABS है, EBD है। सेफ्टी फीचर्स आपको सभी इसके बेस मॉडल में मिल जाने वाले हैं। बात करें इसके रियर डोर ट्रिम के बारे में, तो ये इस कार का रियर डोर ट्रिम ड्यूल टोन के अंदर है। बाकी भाई यहाँ पे भी आपको सॉफ्टस मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट मिलेगा, यहाँ पे भी सॉफ्ट मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है। तो ये इस कार का रियर डोर। स्पीकर की प्लेसमेंट नहीं है, फैब्रिक सीट्स है, बट पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है। बाकी पीछे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट तो जरूरी मिल जाता है। तो ये है ओवरऑल इस कार का रियर लुक। बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, 1.2 लीटर का VVT इंजन मिल जाता है, जो कि भाई 89 BHP की पावर जनरेट करता है, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, 22 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।